मलिष्का पने की लक्ष्मी और लक्ष्मी की जगह लेने के लिए मलिष्का पहने की साड़ी और लक्ष्मी को आ गया होश और ठुकरा देगी बिना याददाश्त की लक्ष्मी ऋषि के प्यार को। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि लक्ष्मी के होश आने का सपना देखने के बाद वापिस सो जाएगा और लक्ष्मी को जब अचानक से थोड़ी देर बाद जब होश आएगा और लक्ष्मी का हाथ जब हिलेगा तभी ऋषि नींद से उठकर लक्ष्मी को उठाएगा और खुश होकर लक्ष्मी को कहेगा, लक्ष्मी तुम्हें होश आ गया। तभी यह सुनकर लक्ष्मी बिना कुछ बोले बस एक ही नजर से ऋषि को देखती रह जाएगी। लेकिन जब ऋषि कहेगा कि लक्ष्मी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, क्या हुआ तुम्हें, तभी यह सुनकर बिना याददाश्त की लक्ष्मी सीधी बात करती हुई ऋषि को कहेगी कि तुमने जो पहले कल कहा था वो तुमने क्या दिल से कहा था या फिर ऐसा ही कह दिया था। यह सुनकर ऋषि एक पल के लिए चुप हो जाएगा लेकिन ऋषि अपनी पिछली बातों को याद करते हुए लक्ष्मी को कहेगा कि हाँ लक्ष्मी, मैंने जो कुछ भी कहा था वो पूरे दिल से कहा था और सच में आई लव यू लक्ष्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। यह सुनकर तभी लक्ष्मी की आंखों से अचानक से आंसू आ जाएंगे। लेकिन जब लक्ष्मी ऋषि के प्यार का इम्तिहान लेती हुई कहेगी कि अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाएंगे और डॉक्टर लक्ष्मी को कहेंगे कि लक्ष्मी अब तुम कैसी हो। तभी यह सुनकर लक्ष्मी डॉक्टर को कहेगी मैं ठीक हूँ लेकिन ये कौन है और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तभी यह सुनकर डॉक्टर कहेंगे तुम्हारी याददाश्त चली गई है और ये जो आपके सामने बैठे हैं वो मिस्टर ऋषि ओबेरॉय हैं जो आपके फैमिली से जुड़े हैं। यह सुनकर लक्ष्मी डॉक्टर की बात मान लेगी और लेकिन ऋषि मलिष्का को ना छोड़ दे इसके लिए जब घर में किरण मलिष्का को मनाती हुई कहेगी कि मलिष्का जो ऋषि ने तुम्हें कहा है उसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो ऋषि तुम्हें छोड़ ना दे और हमेशा के लिए कहीं तुम्हें वो भूल ना जाए। यह सुनकर मलिष्का को काफी बड़ा शौक लगेगा और किरण मलिष्का को लक्ष्मी बनने के लिए समझाती हुई कहेगी कि बस मलिष्का अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम्हें ऋषि की जिंदगी में लक्ष्मी बनना होगा, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह तुम्हें रहना होगा, तुम्हें लक्ष्मी की जगह ऋषि की जिंदगी में लेनी होगी। यह सुनकर मलिष्का को काफी बड़ा झटका लगेगा और मलिष्का कहेगी हाँ मॉम आपने सही कहा, ऋषि को पाने के लिए अब मुझे लक्ष्मी बनना होगा, वो कहते हैं ना कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए मैं मजबूरी में हूबहू लक्ष्मी की तरह बनूंगी और ऋषि को दिखा दूंगी कि उसकी जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता और लक्ष्मी तो बिल्कुल नहीं। यह कहकर जब किरण लक्ष्मी जैसी नई नवेली पुरानी साड़ियां मंगवाएगी और मलिष्का को कहेगी कि ये साड़ी पहन लो और बिल्कुल तुम लक्ष्मी की तरह दिखो क्योंकि लक्ष्मी की जगह लेने के लिए तुम्हें लक्ष्मी की तरह दिखना भी होगा ना, और इसीलिए आज से ये तुम्हारे फैंसी और जींस वाले कपड़े बंद, अब तुम्हें ट्रेडिशनल इंडियन वेयर में रहना होगा। यह सुनकर मलिष्का बड़ा ही गंदा वाला मुंह बनाएगी और कहेगी मैं ये अजीब सी साड़ियां नहीं पहनूंगी। तब यह सुनकर किरण कहेगी तो भूल जाओ ऋषि को, जिसे सुनकर मलिष्का ना चाहते हुए साड़ी पहनने के लिए रेडी हो जाएगी और लक्ष्मी की तरह हो बहुत तैयार हो जाएगी। जहाँ पर जब मलिष्का ऋषि के घर जाएगी और ऋषि लक्ष्मी को घर ले आया होगा और नीलम मलिष्का को पहली बार साड़ी में लक्ष्मी की तरह देखेगी, तभी नीलम मलिष्का की तारीफ करेगी और मलिष्का को कहेगी वाओ मलिष्का तुम क्या लग रही हो, बिल्कुल हमारे घर की बहू की तरह। यह सुनकर तभी आयुष को काफी बड़ा शौक लगेगा और आयुष हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए मलिष्का को कहेगा कि आज सूरज कहाँ से उग गया और यह साड़ी में मलिष्का तुम बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। यह सुनकर मलिष्का को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और लेकिन ऋषि की जिंदगी में मलिष्का क्या लक्ष्मी की जगह ले पाएगी क्या नहीं, आपको क्या लगता है, और आप ऋषि के साथ मलिष्का को देखना चाहते हैं क्या फिर हमेशा लक्ष्मी को, और आपको सबसे ज्यादा किसकी जोड़ी पसंद है क्या हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।